बिल्कुल टाइम देंगे तो फिर आवाज भी क्लियर हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो हमें बताता है कि गिवन एक्सप्रेशन क्या फंक्शन है या नहीं, क्योंकि हर एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होता। उसके बाद हम लीनियर फंक्शन, जो कि हमने टाइप के फंक्शन में देखा था जिसमें वेरिएबल जिसके हम की डिग्री या पावर वन, इन फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर इन लीनियर फंक्शन की एप्लीकेशन देखेंगे कॉस्ट फंक्शन के तौर पे, रेवेन्यू फंक्शन के तौर पे और प्रॉफिट फंक्शन के तौर पे। और ये जो आखिरी आप कह लीजिए कि पॉइंट है ना आज के लेक्चर का, ये फिर अगले इसके बाद अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू होगा। सारे जवाब फंक्शन वन ऑफ टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है अगर एक वेरिएबल या दो वेरिएबल हो तो हम उसे ग्राफिकली देख सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन में हमारे बहुत सारे वेरिएबल हो जैसे कि 4, 5, 6 तो फिर ऐसे फंक्शन को ग्राफिकली हम नहीं देख सकते। क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन हो या बोर्ड हो, दो डायमेंशन को आप अच्छी तरह दिखा सकते हैं और तीसरी डायमेंशन के एक सेंस आप दे सकते हैं, लेकिन 4 या 5 या 6 डायमेंशन को आप बोर्ड पर या पेपर पर ना दिखा सकते हैं ना उनका सेंस दे सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ग्राफ इन टू डायमेंशन यानी टू स्पेस। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप एक्स सर वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अब और कितनी आवाज क्लियर चाहिए आपको? सर नहीं आ रही है आवाज, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश ही कर सकता हूँ बेटा, मेरा लैपटॉप या इसके स्पीकर या माइक उसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसे हम तीन डायमेंशन में प्लॉट करेंगे। तो द केस ऑफ मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज लॉस्ट। ये मैंने आपसे कहा था कि अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब भी हम पेपर पर उसे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज़्यादा हो गए, तीन हो जाए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल 4, 4 को हम पेपर में कैसे दिखाएंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो तभी बेहतर है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या उससे कम हो। ग्राफ ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन वन कैन सिंपली असाइन डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द डोमेन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आपसे
सभी छोटी क्लासेस से जानते हैं कि जब आप किसी इक्वेशन को प्लॉट करते थे तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए एक्स और वाई के, और जब वो ऑर्डर्ड पेयर आ जाते थे तो फिर आप उन्हें प्लॉट करते थे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर एक सूटेबल स्केल कंसीडर करते हुए, और फिर जब पॉइंट प्लॉट किया जाते थे या ड्राइंग करते थे। बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही देखना आएगा। तो ये आप लोग जो है ना वो हर छोटे के बाद ड्राइंग करते रहते हैं, एक साथ करते नहीं है, 10 मिनट तक नमस खाली आपके ड्राइंग ड्राइंग पे लगाता हूँ। लोकेट द रिजल्टिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस इज यूज्ड टू डिनोट द फाइनल वेरिएबल एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच इज एक्स एक्सिस इज यूज्ड टू डिनोट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बातें आपको पहले भी पता है, सारी सी बातें फिर से आप देख रहे हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे आप एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे वाई एक्सिस। तमाम पॉइंट को प्लॉट करें और उसके बाद उन्हें कनेक्ट करें। ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन है, देखिएगा स्केल द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8-3 है। इस एफ ऑफ एक्स का मतलब है वाई, आप इसे यू भी सोच सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू 8-3 एक्स है। अब यहाँ जो वाई हैगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इनडिपेंडेंट, एक्स की वैल्यू जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे वाई हमें नहीं मिलेगा। तो आप अपने पास से कुछ एक्स की वैल्यू रिज्यूम करें, जैसे हमने यहाँ करी है -2, -3, -2, -1, 1, 2, 3। अब कितनी वैल्यू आप रिज्यूम करें कि ग्राफ बन जाए, जितनी ज़्यादा वैल्यू रिज्यूम करेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। लेकिन ज़्यादा का मतलब तो हज़ारों लाखों करोड़ों वैल्यू भी हो सकती है, तो क्या हम इतनी वैल्यू रिज्यूम कर पाएंगे, कंसिडर कर पाएंगे? नहीं। पांच छह वैल्यूज भी मेरे ख्याल से एक ग्राफ का आइडिया देने के लिए काफी है। अब ये तो मैंने एक्स की वैल्यू -2, -3, -2, -0, 1, 2 दिए, ये मैंने अपनी आसानी के लिए दिया। आपको कोई और वैल्यूज चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं। जब -4 में एक्स लूंगा और फंक्शन में रखवाता हूँ तो वाई क्या आएगा? -4 जब आएगा तो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 और +12 8 हो जाएगा। यानी अगर x -4 है तो y 20 हो जाएगा, जब x -3 रखवाएंगे तो y 17 आ जाएगा, -2x होगा तो y 14 होगा। इसी तरीके से आप देखते रहेंगे कि डिफरेंट आपके पास x के ऊपर डिफरेंट y की वैल्यू आते रहेंगे। अब इन्हें आप x को y एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लीजिए, उसके लिए आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। वो स्केल आप कंसिडर कर लीजिए और उसके बाद इन्हें आप प्लॉट करेंगे। जब आप प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट इस तरह आएंगे, देखिए -4 पर 20 आ रहा है, -3 पर 17 आ रहा है, -2 पर 14 आ रहा है, -1 पर 11 आ रहा है, 0 पर 8 आ रहा है, उसी तरीके से 1 के ऊपर 5 आ रहा है, 2 के ऊपर आपको 2 मिल रही है और -1 के ऊपर आपको -1 मिल गई। अब इनको जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से बैंड होगा और फिर ये 0.8 के बाद फिर बैंड होगा। ये हमारे पास जो है आपकी खत्म नहीं हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कैसे क्लियर आएगी, क्या कर मुझे बताइए आप। मैं माइक के ऊपर बोल रहा हूँ, माइक सही मिल रहा है, कैसे क्लियर करूँ मैं इस आवाज़ से? कोई हल आप मुझे दे दें वो कर लेता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सर आपकी आवाज धीमी है, मतलब नीचे लो है सर, आवाज आ रही है, रुक क्या आ रही है?
सर बीच बीच में कट भी रही है और लो भी है सर। आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों जी सर अब आ रही है। को? हमारी आवाज यस सर चैट रूम बंद करेंगे। चैट जो है ना, आप लोग चैट के ऊपर वही लगे रहते हैं, स्टूडेंट पार ये हमारे पास सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट कर देंगे तो उनके ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने में जो भी शेप बनेगी वो तो हमारे फंक्शन का ग्राफ बनाएगा। अगर तो हमारा फंक्शन लीनियर है ऑब्वियसली जो ग्राफ आएगा हमारे फंक्शन का वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। नाउ एक और फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ भी डिफरेंट x की वैल्यूज आप पुट करवाएं और उनके ऊपर फिर आपको y मिलेगा। उन x और y को आप x और y एक्सिस के जरिए जो है वो प्लॉट करेंगे और फिर उनके बाद उन्हें ज्वाइन करेंगे। मैंने ये जो डॉटेड दिखाया हुआ है आप डॉटेड नहीं दिखाएंगे, आप बकायदा इनको ज्वाइन करते हुए दिखाएंगे और आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी ग्राफ की। अब एक्स की कौन सी वैल्यू देंगे जो आपको आसान लगे लेकिन डोमेन पे होनी चाहिए। ऐसी वैल्यू ना हो जो पार्ट ऑफ द डोमेन ना हो। डोमेन की कोई भी वैल्यू आप ले उसके ऊपर वाई निकालिए और फिर उनको एक सूटेबल स्केल के जरिए एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करें उसके बाद उन्हें ज्वाइन करें। जैसे मैंने कहा एक बार फिर कि एक्स की मेरी पहली वैल्यू -4 है, इसके ऊपर जब मैंने वाई निकाला तो वो y 25 आया, फिर एक्स -3 रखवाया तो y 16 आया, फिर एक्स -2 रखवाया तो y 9 आया। अभी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आते चले जा रहे हैं, इनको मैं प्लॉट करूंगा। मैं एक्स एक्सिस पे ढूंढूंगा -4 कहाँ है, वहां पहुंच गया या आ गया, और फिर देखूंगा कि y 25 कहाँ है तो y एक्सिस पे 25 पे जाऊंगा, वहां जाके एक पॉइंट लगा दूंगा, यानी एक डॉट लगा दूंगा। सिमिलरली अगले पॉइंट के लिए मैं एक्स एक्सिस पे -3 पे जाऊंगा और वाई पे 16 पे। जब ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी तो वहां जाके डॉट लगा दूंगा और फिर इन तमाम मैं डॉट को ड्राइंग करूंगा तो मेरे पास एक ग्राफ आएगा। अगर मेरा फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा बल्कि वो इस तरह की शेप आएगी जैसे इसमें आपको नजर आ रही है। ठीक है भाई, यानी पैराबोला टाइप शेप नजर आएगी। अब ये एक क्यूबिक फंक्शन आएगा जिसका ग्राफ जिसकी फॉर्म है y इक्वल्स टू x टू प्लस टू। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी आएगी, डिग्री कितनी है, 3 है। अगेन डिफरेंट आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, उसे फॉर्मूले में रखवाएंगे फंक्शन में और y कैलकुलेट करेंगे, फिर उन x टू y की वैल्यूज के जरिए आप x और y एक्सिस के ऊपर कुछ
डॉट या पॉइंट लगाएंगे और आखिर में डॉट या पॉइंट को डिफाइन करेंगे। ये जो आपके पास ग्राफ होगा अगेन ना ये स्ट्रेट लाइन होगा ना ये पैराबोला होगा बल्कि किसी और शेप का आपको नजर आएगा। ये आपका एक बड़ा जबरदस्त काम है इसको आप देखिए करके क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, नाउ हियर कम्स अ वर्टिकल लाइन टेस्ट। बाय डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन द डोमेन देयर शुड करेस्पोंड ओनली वन एलिमेंट इन द रेंज। ये थोड़ी मुश्किल बात है आप लोगों के लिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि हमारे पास डोमेन की हर वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा मुश्किल बात है तो इस मुश्किल को आसान बनाया है एक टेस्ट में जिसे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट क्या कहता है, इफ अ वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन टू एनी वैल्यू इन द डोमेन इट विल इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट वन पॉइंट ओनली। सबसे पहले आप जो फंक्शन है आप उसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद आप उस ग्राफ में कोई किसी भी जगह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। वर्टिकल लाइन वो लाइन होती है जो बाय एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करती है तब तो आप कहेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ है, अदरवाइज कोई फंक्शन नहीं होगा। एक से ज्यादा जगह पे वो लाइन कट कर देती है। मिसाल के तौर पे हमने कुछ यहाँ ग्राफ बनाए हैं। सबसे पहले आप ये सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड जो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है किसी फंक्शन का एक ग्राफ देगा। अब हमने इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पी वन पर और एक पी टू पर। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा प्लेसेस के ऊपर ग्राफ को कट कर जाए इंटरसेक्ट कर जाए तो फिर वो जो ग्राफ होता है वो किसी फंक्शन का नहीं होता। तो ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं, यानी ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूँ, यहाँ जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ ये वर्टिकल लाइन भी मेरे ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट, दो पॉइंट पर कट कर रही है। लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं, दोनों ही मेरे पास फंक्शन नहीं है बिकॉज वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट गिवन ग्राफ एट मोर देन टू एट मोर देन वन। अब जरा इन दोनों को देखिए, तीसरे और चौथे को। यहाँ भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो एक वेवी किस्म का ग्राफ बना हुआ है। लेकिन आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें ग्राफ वर्टिकल, मैं फिर बोल रहा हूँ वो लाइन पैरेलल टू आए, ये वर्टिकल लाइन जो होती है आप कोई सी भी वर्टिकल लाइन देखिए, यहाँ पर किसी भी जगह पर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगहों पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ग्राफ एक फंक्शन का है। सिमिलरली लुक एट दिस ग्राफ, इसमें एक हिस्सा ये स्ट्रेट लाइन है, एक हिस्सा ये स्ट्रेट लाइन है। आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अगेन आपके पास या आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं है जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे इंटरसेक्ट करे। यानी ये भी फंक्शन का ग्राफ है। बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ हो ये चेक करना क्या वो वाकई में फंक्शन का ग्राफ है, यानी फंक्शन है या नहीं है। अब लीनियर फंक्शंस की कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रेजेंट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर फंक्शन, प्रेजेंट अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर फंक्शन। कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लीनियर फंक्शंस की और फिर कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम लीनियर फंक्शंस। सबसे पहले लीनियर फंक्शन, जैसा हमने पहले भी कहा था एक बार फिर आपको बताया थे, अ लीनियर फंक्शन f इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल y हैज अ जनरल फॉर्म। क्या जनरल फॉर्म होगी, y इक्वल्स टू a1x प्लस a1। ये जो a1 और a नॉट ये कांस्टेंट होंगे, जैसे कि हमने एक फंक्शन दिया था जिसमें पहले जहां पर y इक्वल्स टू 8 - 3x पहला फंक्शन का ग्राफ आज की क्लास में बनाया,
y equals to 8 minus 3x. वहां जो 8 था वो a नॉट था, minus 3 जो था वो a वन था, बाकी x और y जो है वेरिएबल है. दिस गिवन फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये अगर स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आप देखें ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. a वन जो है वो स्लोप हो जाएगा अगर हम प्रीवियस लेक्चर से इसको देखें, और a नॉट जो है y. अब वो कह रहा है कंसीडर द बी की सैलरी फंक्शन y इक्वल्स टू 300x प्लस 2500. यहां बता रहा है कि y क्या है, y वीकली सैलरी है और x क्या है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर वीक. x जो है यानी किसी सेल्स पर्सन की सैलरी का एक फंक्शन दिया हुआ है कि जितने ज्यादा वो पर वीक यूनिट सेल करेगा उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी. क्लियरली दिस इज अ वीकली फंक्शन व्हाट इज द सैलरी वैल्यू. यहाँ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें एक है और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम x है, इसकी पावर यहाँ वन है. यहाँ पे एक लीनियर टू फाइव डबल जीरो रिप्रेजेंट द बेस है कि अगर ऐसा भी होता है जाहिर सी बात है कि अगर आप x की जगह पे जीरो रखवा दें फिर भी इसकी सैलरी आएगी. x जीरो का मतलब है कि इन्होंने कुछ भी सेल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद सैलरी में लिए 2500. ये आमतौर पर क्या होता है जैसे हमारे सेल्स पर्सन होते हैं इसी तरह से उनको पे किया जाता है क्योंकि एक फिक्स टाइमल कमीशन कमीशन डिपेंड कर रहा होता है कितनी बिजनेस सेल आउट फुल आउट करते हैं. तो ये 2500 बेस कर दिए व्हेन यू नो योर स्टार्ट फूड पर भी 300 इज द कमीशन ऑफ ईच यूनिट. ठीक है, तो अगर कोई भी यूनिट सेल आउट नहीं हो रहा तो 2500 मिलेंगे, लेकिन हर एक यूनिट के ऊपर 300 रुपये मजीद मिलेंगे. चेंज इन वीक बताई जा रही है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या फिर ज्यादा क्या हो सकता है, एक यूनिट करें, दो करें, तीन करें. तो जो हमारे पास हमारे फंक्शन की जो हमें नेचुरल डोमेन नजर आ रही है वो तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी जीरो और उसके बाद कुछ भी हो सकता है. लेकिन ऑब्वियसली यहाँ नजर आ रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस पर लगाएंगे तो वो इंटरप्रिटेबल नहीं होगी और वो एक्सप्लेनेबल भी नहीं होगी. ठीक है, और जब आप x की यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखवाएंगे इंक्लूडिंग जीरो और y निकालेंगे तो y खुद भी पॉजिटिव आएगा, 2500 भी पॉजिटिव है और x भी अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव नंबर जब भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा. मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पॉजिटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी पॉजिटिव है. और अगर हम इसको ग्राफ के तौर पर देखें, ग्राफ जब हम बनाते हैं x और x को हम एक दूसरे की वजह से गुजारते हैं तो चार हिस्सों बन जाते हैं जिन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं. पहले क्वाड्रेंट में हमेशा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये एक्स और y पॉजिटिव होते हैं क्योंकि गिवन एग्जांपल में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा. ध्यान दें ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, यही बात लिखी है कि सेकंड बुलेट में ग्राफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अलाइन x y टू बी पॉजिटिव बाय द क्वाड्रेंट सिर्फ पॉजिटिव होगा. इन जनरल फॉर अ लीनियर फंक्शन हैविंग द फॉर्म अगर कोई भी एक जनरली आप बात करें y इक्वल्स टू a1 x प्लस a नॉट अ चेंज इन द वैल्यू बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ चेंज इन द वेरिएबल x तो सही बात. अब अगर यही लीनियर फंक्शन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो जाए, थोड़ा सा हमने जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्राइट सा लिखा हुआ
मैंने आपके मैसेजेस भी रीड किए सर, मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ जब मैं और कितना लाउड बोलूं। इसी सिस्टम के ऊपर आपको पढ़ाया, इसी सिस्टम के ऊपर मैंने कल क्लास की कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की, सब कुछ ठीक चल रहा है। आई बोल रहा हूँ कि आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, देखिए हाले कि हम इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं, री ज्वाइन करते हैं, मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ ताकि हम नई चीज़ें शुरू कर सकें। तो इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है भाई, री ज्वाइन करते हैं। मे भी जो है वो अगले सेशन में आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो आवाज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, अगली मीटिंग का मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, 5-6 मिनट आप रुकिएगा, ठीक है भाई।